जा। हैबिट कुटे और सुबह सुबह होगी। मैं काफ़ी देर से जगी हुई थी, मैंने सुबह टहल टहल लिया, चाय पी ली, ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी, तो बाकी सब अभी भी सो रहे हैं। बज गए 9 और जूली जी तब उसे निकल के आने वाली है, इधर 1 घंटे बाद आ जाएगी। और ये लोग यहाँ पे सब सो रहे हैं और जूली इधर जग रहा है। ये है हमारा प्यारा सा घर, इसका मैं आपको टूर कराऊंगी अभी। तो ऊपर का भी करा देना। हाँ, ऊपर का भी करा देंगे। तो बाकी सब सो रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको, कल को निकलना भी है मुझे, तो फिलहाल ज़्यादा सामान नहीं फैलाऊंगी। और चलो बाहर का आपको दिखाते हैं। यह देखो हमारे यहाँ और अक्षरणी पे इस तरीके से भुजरिया बनाई जाती है, मतलब गेहूँ को बोया जाता है। मैं दिखाती हूँ, ये है गेहूं को उगाया जाता है इस तरीके से, मिट्टी के बर्तन अपना, मतलब जिस तरीके से आप ये भी होता है जमीन पर उगाया जाता है। फिर अक्षरणी वाले दिन इनको विसर्जित किया जाता है। ऊपर अभी नहीं, धूप अभी बाद में चलेंगे ऊपर, अब थोड़ी देर हो जाए तब चलना ऊपर, ठीक है? तो आ जाओ। तो गाइस ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे 2 दिन हूँ अपने घर पे मैके में, कि हमारे गांव का घर है। इस बार हम लोग रक्षाबंधन गांव में मना रहे थे। सुबह सबसे पहले मैं और मम्मी ने नहा लिया था, मम्मी पूजा करने लगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ इस टाइम तक। अभी सभी सो रहे हैं और आयुष और वो दीदी पूर्ति सब सो रहे थे, सिर्फ मैं और मम्मी और अर्जुन उठ गए थे। पापा चारी लोग उठे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नहा दूँ कि मम्मी की थोड़ी हेल्प करा देती हूँ खाना वाना बनाने में, क्योंकि मम्मी अकेले बनाएंगे। तो तुम्हारे जैसा राम अभी आने वाला आसमान आ जाएगा, तुम्हारे साथ खेलने के राम हो जाएगा, फिर तुम राम के साथ खूब खेलना। राम भगवान, राम भगवान नहीं, राम तुम्हारा भाई। तुम लोग मैंने ही लगाई पूर्ति, स्कूल में कल टीचर ने लगा दी थी हाथ में, भी लगा लेंगे, मेरे पास मिनी स्टैंड वाली है। क्या है? हेलो रुद्री, ना लिया आपने? हाँ खा लो, तुम खा लो, किसी का भी तुम खाओ। हाँ क्या हुआ? क्या जीप ले लिया किसको? यहाँ खड़े हो, कपड़े ले आए, खड़े नीचे। दीदी के लाडला बेबी है। गेहूँ नहा के स्किन केयर कर ले, तो अभी सभी लोग उठ चुके थे और ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं कर रही थी। मैं बना रही थी सबके लिए पोहा, क्योंकि पोहा मतलब एक ऐसा चीज़ है सब लोग खा लेते हैं। इस टाइम पे आयुष अभी भी सो रहा है, वैसे मेरे घर का एक इकलौता बेटा है जो अभी भी सो रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे सारे उठ गए थे और यहाँ पे बच्चों के लिए पोहा बने। अर्जुन और देखिए अरुद्र उधर अलग लेवल पर ही स्थानी कर, लेकिन दोनों ने नहा धो के रेडी हो गए हैं और तो नहीं बहुत क्यूट लग रहे हैं। देखो ये मतलब गाँव में देखो सीढ़ी वगैरह होती है, मतलब मुझे बहुत पर्सनली पसंद है गाँव में रहना, कुछ लोगों को नहीं होता पसंद पर मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं तैयारी और पीछे से वीडियो शूट शायद आनिया कर रही है, अभी मुझे याद नहीं कि मैं ओवरवाज करी। यहाँ मम्मी आ गई है, मम्मी अपनी बातें बता रही थी और सब लोग अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कौन क्या करता है। और इधर देखिए बच्चे अलग शैतानी कर रहे हैं। मेरे घर में सिर्फ हम ही ऐसे काम काज, मेरी मम्मी है, बाकी सब तो हैं। नहीं दाल हमने बनाई, हाँ मम्मी से पूछो, मम्मी बनाई दाल? बनाने क्या था, कुकर में चढ़ा दी हाथ तो यहाँ बन रही है। अच्छा दूध भी गर्म कर रही, ये पोहा भी इनका तैयार होगा, इसको बांटेगा चाय दे दो ना का ये। हम लोग जा रहे हैं हरी सूट करने के लिए, नीचे आया बाहर का माहौल। अरे राम रुद्री, हाँ क्या बेटा, पानी नानी से ले लो जाकर, नानी देखिए। चलो आओ,
यहाँ पे बैठते हैं, दो लोग नीचे दो लोग ऊपर ऐसे करके। हाँ लला आ रहा है इधर, भाई के आईफोन का यहाँ पूरा पूरा भरपूर इस्तेमाल हुआ जा रहा है। वहाँ यही है घर पेड़। अच्छा चलो यार पापा नहीं चल रहे पापा देख रहे नौटंकी तुम्हारी। चलो घूमो उधर चल के घूम। बारिश चल रही है देखो भैया मम्मा रील बना रही है, देखो ले नहीं रही है रुद्री को, है ना भैया। मैं से भी लोग ना बेबी क्या उल्टा उल्टा झूला जा रहा है, तेजा है थोड़ा सा। हाँ जी नहीं इतने मोटे नहीं है, तुम इतना ही मोटी हो। लला अब तुम तो नहीं जाएंगे, अब जगह नहीं बची फिर नहीं। पाँच बजे नहीं, पाँच 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 का तो नहीं हुआ था क्या, पाँच का हुआ। चलो भाई नहीं आज, चलो ये लग जाएगा बेटा गिर जाओ, चलो चलो फोन पकड़ो, चलो चलो हैं गिरूं कहाँ से, नहीं उतरो कहाँ से, गिरूं कहाँ से, गिरना क्यों उतरना है चलो। तो हाँ ये भी बोले कहाँ से, किस हालत करते इतना, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, गिरा देंगे गिरा देंगे गिरा देंगे, गिराया राम को, गिरा राम गिरा राम गिरा 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 मोटरसाइकिल लेके चले टावर का है ये अकेले का करे जल्दी कर बोर है। चलो बेटर ऑप्शन है चूज बेटर। हां हुसैन तेरा तौबा तौबा, हुसैन तेरा तौबा तौबा। गुजरी जरी लेकिन अच्छी लग रही है, गुजल्ली आजी पहने हो ग्राम को रुद्र तीनों करो, हुसैन तेरा तौबा तौबा राम गाँव यहाँ पे, हुसैन तेरा तौबा तौबा राम, हाँ हुसैन तौबा 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 तौबा। और रुद्र आओ अरे भाई क्या हो रहा है आप लोगों का, राम गिर जाओगे नीचे। हाँ टुन्ना भी भाग रहा है, भागने दो वो जा रहा है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सारे हल्दी के पौधे लगे हुए हैं, जो पाम जैसे देख रहे हैं वो हल्दी के पौधे हैं। और मम्मी का मनी प्लांट पता इतना ग्रो कर रहा है, मैंने बोला मम्मी आपका मनी प्लांट कितना ग्रो कर रहा है, पता कितना अच्छा लगता है ये हरे पेड़ पौधे। और ये सामने थोड़ी सी जगह पे मम्मी ने लगा के रखे और बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि मम्मी गाँव आती जाती रहती है इटावा से, गाँव गाँव मम्मी का आना जाना लगातार लगा रहता है। और यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे इटावा जाने के लिए, तो बस उसी की तैयारी थी, हम अगला ब्लॉग इटावा में करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून रहिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, बाय बाय।